मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। सबसे बड़ा फेस्टिवल है आपके लिए, सो क्या थी तैयारी, कैसे सुबह से क्या सेलिब्रेट किया? एक्चुअली जब रमज़ान ईद आती है तो सबसे पहले तो हम लोग उठते हैं और नमाज पढ़ते हैं ईद की, और उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू होता है। खासकर जो सेलिब्रेशन होता है वो शिरखुमा वगैरह का होता है। जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आते हैं घर पे, ईदी देते हैं। पता नहीं इन लोगों ने ईदी लाई है कि नहीं मेरे बच्चों को देते हैं ना, तो मैं बच्ची ही हूँ मैं ईदी देते हैं और बस मिलते हैं और ऐसे गले गले लगते हैं। गले क्या गले लगे आज? हाँ, क्या आते हैं ये रानी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, सो क्या ईदी लाइफ है आप? हम लोग बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार अपने साथ ले आए हैं और ईद का जो त्यौहार है वो बिल्कुल त्योहार इसीलिए होता है कि लोग मिले, एक दूसरे का प्यार बांटे, खुशियाँ। एक्चुअली ओकेशन इसीलिए होता है कि हम दोस्त या रिश्तेदार हम सब मिले, तो इसी मौके पे मैंने बुलाया और थैंक्स कि आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू। अरे भैया जी, कहे आपने बुलाया। ओके रानी, आज है ईद, सबसे बड़ा त्यौहार है आपके लिए, सो कैसे सेलिब्रेट किया, सुबह क्या किया अभी तक? बहुत सिंपल तरीके से शुरुआत होती है वैसे ईद की हमारी। सवेरे उठते हैं, उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर सेलिब्रेशन शुरू होता है। लेकिन एक दो दिन पहले से ही, एक्चुअली बहुत बड़ा त्यौहार है हमारी फैमिली के लिए, मुसलमान के लिए, तो फीमेल्स जो होती हैं वो मेहंदी एंड कॉस्ट्यूम ये सब में बहुत ज़्यादा तैयारी उन लोगों की चल रही होती है। बॉयज़ जो होते हैं वो लोग का बहुत सिंपल होता है एक्चुअली, वो लोग तो बेचारे कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है। मैंने कुछ मतलब मेल्स को भी देखा है कि वो लोग भी मेहंदी लगाते हैं। हाँ, कुछ लोग सभी ऑलमोस्ट लगाते हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा, हम लोगों में वो बहुत अच्छा माना जाता है। दौलत नहीं, अच्छा हाँ वो नहीं अच्छा माना जाता है एक्चुअली, इसको बहुत लकी माना जाता है मेहंदी को, तो ये लगाना कंपलसरी है हम लोगों के लिए। और सेलिब्रेशन शुरू हुआ दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मेरे दोस्त देख रहे होंगे, सब आए हुए हैं मेरे घर पर आज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो बहुत सारे फ्रेंड आए आपके, कुछ आगे चले गए, क्या क्या गिफ्ट मिला, ईदी क्या क्या मिली? बहुत सारा प्यार है इनके पास। यस, इनका बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिला। एक्चुअली सब मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए यहाँ आए, और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि सबने मुझे दुआएं दी, मेरी फैमिली से मिले सबको। रानी नाम है और हम सबके लिए रानी। Exactly. Okay. Exactly. तो बस यही ईदी यही है मेरे लिए। ओके रानी, रोजा रखते हैं आप, मतलब इतने हेक्टिक शेड्यूल में शूटिंग एंड आल्सो, हाउ कुड बी पॉसिबल, कैसे कर पाते हैं? पॉसिबल तो नहीं है, और इतनी गर्मी जहाँ पड़ रही है उसमें काम भी करो, रोज़ा भी करो और फिर वर्कआउट भी करो, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, जितना मुझसे हो सका उतना मैंने फास्ट रखा। आप लोग को तो पता ही होगा ना, आप लोग रखते हैं। आई नो, एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग, रानी जी का एक बहुत बड़ी खासियत ये रहा कि इन्होंने लिखा बोला कि कोशिश कर रही थी, मैं इनका मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम पे देख रहा था, तो इन्होंने एक तो ये फिटनेस फ्रीक हो गई हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा, पिछले 6 महीनों से इनका बहुत एक हैक्टिक शेड्यूल और बहुत एक टाइम टू टाइम इन्होंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा खास तौर से ध्यान दिया है। तो रोज़ा रखना और उसमें भी एक वर्कआउट को कंटिन्यू रखना है, इट्स अ बिग थिंग, तो मे बी इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। एज एन एक्टर हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों के लिए जो सबसे बड़े भगवान है वो हमारा शरीर है, आर बॉडी इज़ द टेम्पल। तो हम लोगों को, अगर हम लोग अपना बॉडी ठीक रख रहे हैं तो वो भी एक तरह का इबादत ही कर रहे हैं। तो अगर रोज़ा किसी वजह से नहीं रख पाते हैं तो एट द सेम टाइम हम लोग समझ लीजिए कि एक तरह का रोज़ा ही रख रहे हैं अपने बॉडी के लिए। टाइगर भैया से अगर पूछे आप कैसे मनाते हैं ईद वाला दिन, कितने दोस्तों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, क्या करते हैं आप? मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और अभी से नहीं, कॉलेज के ज़माने से, तो मैं हर साल ईद में कहीं ना कहीं तो जाता ही हूँ। और रानी के साथ इतने सालों से हमारी दोस्ती है
लेकिन ईद में शायद पहली बार घर पर आया हूँ। इसकी वजह ये खुद ही नहीं रहती थी, खुद ही शूटिंग पे कहीं ना कहीं ये पहली बार इत्तेफाक हुआ है कि हम सारे लोग मुंबई में हैं और हमारा आना हुआ। लेकिन ऐसे भी मैं किसी न किसी दोस्त के यहाँ, गांव में हमारे कुछ एक दो दोस्त हैं, इलाहाबाद के दोस्त हैं, तो ऐसे जाता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सभी दोस्तों को एक साथ पकड़ना बहुत मुश्किल है, सब लोग बाहर बाहर रहते हैं, सब बिजी बिजी रहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ इनवाइट किया जाए। और मैं थैंक यू कहूँगी आप लोगों को, आपको भी थैंक्स, हम लोग भी थैंक्स तो हमें बोलना चाहेंगे। आप लोग आए यहाँ पे और ईद का जो सेलिब्रेशन है वो डबल कर दिया मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू रानी, मतलब पूरी फैमिली ही ईद सेलिब्रेट करती है, लोग आते हैं, कुछ आया क्या मेरे लिए स्पेशली? इनके सारे दोस्त हाथों में सिर्फ खाली हाथ प्यारी देके चले गए यहाँ से, किसी ने कोई आई थिंक मटेरियल, हम लोग की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, दुआएं और प्यार बहुत मिलता है और मटेरियलिस्टिक नहीं है तो सामानों पे और हम लोगों ने सोचा है कि हमें जो कुछ देना होगा हम लोग रखेंगे, एक ही बार शादी में देंगे। छेड़ दिया, शादी का टॉपिक खुल गया। शादी का टॉपिक, रानी आपके सबसे क्लोज फ्रेंड को सारी जी आए थे, सो क्या कहना चाहेंगे? पहली बार आए थे ऐसे, पहले भी कई बार ही आए थे। एक्चुअली खेसारी जी और मैं हमेशा फैमिली फंक्शंस में मिलते हैं, और उनके घर में फंक्शन हो या हमारे घर में हो, क्योंकि हम लोग का घर बहुत आसपास है, वो आए, उन्होंने भी ब्लेसिंग्स दी और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी समय यहाँ बिताया और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। ओके, ईद पे सबसे कोई यादगार ईद जो आपको आज भी याद हो, मतलब वो ईद जो आज भी याद हो हमेशा, मतलब ईद आने के समय? एक्चुअली ना पिछले कई सालों से जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, सही बात बोली मनोज जी ने कि ईद पर मैं कभी भी घर पर नहीं रही ज़्यादा, मैं नहीं रहती थी, मेरी मॉम और मैं अक्सर बाहर शूट पे रहते थे, तो यादगार तो मेरे लिए यही ईद होगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद ईद घर पर मनाया है और सब दोस्त आए हैं, तो यही सबसे यादगार ईद होगी मेरे लिए। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ऑलमोस्ट हम सब कहना चाहेंगे कि हम सबको ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारी फिल्में आएंगी तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखें, फैमिली के साथ देखें और अपनी ब्लेसिंग्स हमें हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। हाँ, और सिर्फ यूट्यूब पे ना देखें, थिएटर में भी जाके, थिएटर में भी जाके देखें जी। हाय, कलाकारों का दर्द देखो झलका है, दिस इज ट्रू। एक्चुअली यूट्यूब पे ना देखें, सिनेमा हॉल में जाके कम देखें। ओके, फैन लगा दो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.